हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है कन्फेशंस। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन डिफाइन है सेक्शन 164 ऑफ दिस सीआरपीसी में। और जो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी है, वो सिर्फ कन्फेशन को ही डिफाइन नहीं करता, वो स्टेटमेंट को भी डिफाइन करता है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस किसी केस में बिफोर दी ट्रायल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद, वो है वट इज़ कन्फेशन, कि कन्फेशन होता क्या है। कन्फेशन जो टर्म है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, बट इसका जनरल मीनिंग क्या है कि कोई भी पर्सन जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं किसी भी ऑफेंसेस के, वो एडमिट कर लेता है कि उसने ये वाला क्राइम कमिट किया है जिसके लिए उस पर चार्जेस लगे हैं, ये कन्फेशन होता है। उसके बाद हमारा आता है कि पावर किस किस के पास है कि कन्फेशन को जो रिकॉर्ड कर सके। ओनली द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड करे, बट उसमें एक राइट ये है कि चाहे वो उसकी जुडिक्शन का है या नहीं है, अगर उसके पास वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए आया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड, तो मजिस्ट्रेट के पास राइट है, वो उसे रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। बट इट इज़ ए डिस्क्रिशनरी पावर कि वो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है करने से। देन हमारा आता है आगे प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन, कि क्या क्या प्रोसीजर है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। कन्फेशन को रिकॉर्ड करते टाइम क्या क्या किस चीज़ की नेसेसिटी होती है या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि सेक्शन जो 281 में मैनर प्रिस्क्राइब्ड है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का, वो फॉलो करेगा मजिस्ट्रेट। उसके बाद कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट साइन खुद के करेगा और एक्यूज के साइन करवाएगा उसको पढ़ के सुनाने के बाद। इनको रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट एक्यूज को वार्निंग देगा कि वो बाउंड नहीं है, ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन, उसकी मर्जी है, वो मना भी कर सकता है कन्फेशन को। देन हमारा आगे आता है कि कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट खुद को सेटिस्फाई करेगा कि जो कन्फेशन मेड कर रहा है एक्यूज्ड पर्सन जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, वो वॉलेंट्री नेचर से कन्फेशन कर रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही कि आपको कन्फेशन करना ही करना है या उसको किसी तरीके से पैसे वगैरह के जरिए, फ्रॉड के जरिए उसे कन्फेशन तो नहीं करवाया जा रहा। वो अपने आप को पहले सेटिस्फाई करेगा मजिस्ट्रेट, देन कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद आता है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद आता है मेमोरेंडम ऑन फुट। कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में सबसे नीचे कन्फेशन जहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है उसके पेज के सबसे नीचे एक मेमोरेंडम बनाएगा मजिस्ट्रेट कि ये कन्फेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये ट्रूली है। उस मेमोरेंडम में जो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ में डिफाइन है, वो चीज़ें इंक्लूड होंगी और उसमें वो वहाँ पर अपने साइन कर देगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन, कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए है या नहीं है, क्या उसका वो राइट है या उसकी वो ड्यूटी है, राइट है या ड्यूटी है। सबसे पहली बात कि उसके पास राइट भी है और उस वो अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है उसे, तो वो उसे रिफ्यूज़ करने की उसके पास पावर है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसे रिकॉर्ड करे या ना करे। चाहे पर्सन चाहता हो रिकॉर्ड करवाना तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, अगर वो नहीं चाहता रिकॉर्ड करना तो वो उसे रिफ्यूज़ कर सकता है। देन हमारा आगे आता है प्रिकॉशंस, क्या क्या लेंगे हम कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट ये बताएगा एक्यूज को कि वो एक मजिस्ट्रेट है। देन उससे एक्यूज से प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस पूछेगा ये चेक करने के लिए कि वो कन्फेशन वॉलेंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन सेटिस्फैक्शन के बाद एक्यूज को बताएगा कि अगर तुम कन्फेशन मेड नहीं करते हो तो तुम्हें इस कन्फेशन को मना करने के लिए कोई जेल नहीं होगी, ना तुम्हें पुलिस में भेजा जाएगा, सिर्फ इस कन्फेशन को लिए, अदर चीज़ों में नहीं, सिर्फ कन्फेशन को मना करने के लिए जेल नहीं होगी। अगर तुम्हें जुडिशियल कस्टडी की नेसेसिटी है और तुम्हें भेजना जाना ज़रूरी है तो वो तुम्हें उस चीज़ के लिए भेजेगा, ना कि कन्फेशन के लिए तुम्हें कोई जेल नहीं होगी। और कन्फेशन को रिकॉर्ड करते टाइम सबसे जो मेन बात है, कोई भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं रहेगा इसमें, पुलिस ऑफिसर कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा कन्फेशन को रिकॉर्ड करते टाइम। उसके बाद प्रिकॉशंस के बाद आ जाती है हमारी जो स्टेटमेंट है, वो 164 में ही डिफाइन है कि स्टेटमेंट क्यों क्यों रिकॉर्ड होती है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में अगर नेसेसिटी है, किसी पर्सन को लग रहा है कि हमारी स्टेटमेंट नेसेसरी है या कोर्ट को लगता है कि नेसेसरी है, तो अगर पर्सन देना चाहता है तो वो उसकी स्टेटमेंट ले लेगा और ओथ एडमिनिस्टर करवाएगा जो स्टेटमेंट दे रहा है।
ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर थी, लेकिन फीमेल के केसेस में ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है मजिस्ट्रेट की, उसके लिए नेसेसरी है ही है कि उसे ये एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी ही करनी है विक्टिम की और प्रोसिक्यूशन की, अगर जो ऑफेंस हुआ वो फीमेल के खिलाफ हुआ है तो। ये अमेंडमेंट 2013 में हुई है, 2 फरवरी 2013 को ये अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद हमारा आगे आ जाता है स्पेशल एजुकेटर, कि स्पेशल एजुकेटर कौन होते हैं, क्यों अपॉइंट होते हैं स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर्स वो होते हैं जो मीन्स फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज एक्यूज है या पर्सनस है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो नहीं दे पा रहे स्टेटमेंट, या मजिस्ट्रेट उनकी बात को नहीं समझ पा रहा, उनकी बात को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो कन्फेशन मेड कर सके और वो मजिस्ट्रेट उन्हें रिकॉर्ड कर सके या स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड कर सके। और ये जो सारी चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की, रिकॉर्डिंग की, ये सारी वीडियोग्राफ्ट होनी नेसेसरी है, ये कंपलसरी है। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जहां पे केस ट्राई होना है वहां पे वो उस केस को कमिट कर देगा अंडर सेक्शन 209 ऑफ द सीआरपीसी। देन आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, जो हमने पहले बात किया था उसका ये केस है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है या नहीं है। विलसामा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये हेल्ड किया गया था कि मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड करे या ना करे, वो उसे रिफ्यूज़ भी कर सकता है, कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि उसे रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक था हमारा कन्फेशन। थैंक यू सो मच।